हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास टेंथ का मैथ्स, और जिसमें पढ़ेंगे हम लोग बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम किससे करेंगे? पहले एनसीईआरटी से। अभी हमने इससे पहले वास्तविक संख्या का वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसमें सिर्फ हमने क्या किया है, एनसीईआरटी से बनाया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से बनाने के बाद प्रश्नावली जो है उसके बाद हम लोग किसका प्रश्नावली बनाएंगे, भारती भवंस का और के सिन्हा का। ठीक है, तो उसका कंबाइन होगा। तो पहले ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी का, फिर आपको वीडियो में लिखा हुआ आएगा कि ये एनसीईआरटी का, ये भारती भवन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले बहुपद। तो बहुपद में इसमें दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और बहुघात बहुपद क्या होता है। ये देखते हैं रैखिक बहुपद, पहले रैखिक बहुपद देखिएगा थोड़ा ध्यान से। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस चर का घात एक हो। ठीक है, जिस चर का घात एक हो उसे रैखिक। अब चर अचर क्या होता है, क्वेश्चन आया कि चर और अचर क्या होता है, चर और अचर क्या होता है। चर जो होता है ए बी सी एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, अचर क्या होता है, एक दो तीन डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक दो तीन चार पांच, कुछ भी बटा में हो ना, पूर्णांक में हो या जैसे हो। ठीक है, सब क्या है आपका, अचर पद होता है। ऐसे मान लीजिए थ्री एक्स का है, ये क्या है, चर है कि अचर है, चर है, ये बहुपद हो सकता है। ठीक है, और मान लीजिए ये फाइव, ये क्या है, अचर है, क्या है ये, अचर है, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई ए बी सी डी कुछ नहीं है ना। मान लीजिए कि ये फाइव एक्स क्यू है, आई प्लस टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि आपको बोला जाए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, तो ये क्या है, बहुपद है। चर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों चर ही है। अचर के साथ अगर चर गुना करें तो क्या हो जाता है, चर हो जाता है, मालूम है कि नहीं। चलिए क्लास नाइन में पढ़े होंगे, तो ये चर अचर जान के क्या होता है, चर और अचर। तो किसी भी चर का घात अगर एक हो, आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिस चर का घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए फाइव, एग्जाम्पल में मान लीजिए फाइव एक्स प्लस वन, तो एक देखिए यहाँ चर क्या है, एक्स है, एक्स का घात कितना है, वन है ना, है तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ऐसे टू वाई, देखिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है, कैसे, क्योंकि वाई का घात क्या है, वन है ना, जैसे कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए कि थ्री एक्स माइनस टू, ये क्या कहेंगे, ये भी रैखिक बहुपद है, एक्स के पावर वन है। ऐसे एक्स प्लस फाइव कहेंगे, ये क्या है आपका, ये भी रैखिक, क्योंकि एक्स के पावर क्या है, वन है। चर के किसी भी चर का घात होना चाहिए, किसका घात होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा ध्यान से, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस, लिखिए डिफिनेशन, जिस चर का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस चर का घात दो हो उसे द्विघात। जैसे चर क्या होता है, एक्स वाई एडिविशन है ना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन, ये क्या है आपका, द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम घात, देखिए ये बहुपद में है ना, इसमें अधिकतम से अधिकतम घात कितना है, तो दो है ना, इसका घात यहाँ भी घात वन है, इसका तो कोई घात नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या अचर है। ठीक है, समझे, हमको चर का घात खोजना है, अचर का घात नहीं खोजना, चर का घात खोजना है। तो चर क्या है, आप लोग देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स का घात वन है, यहाँ से घात टू है, तो क्या बोलेंगे, अगर इसको हटा दिए तो रैखिक, इसको लगा दिए तो द्विघात, क्योंकि घात दो है इसका, जिस चर का घात दो हो उसे द्विघात। जैसे मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन, ये सब बताइए क्या होगा, द्विघात की रैखिक, तो ये आपका होगा द्विघात। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फाइव एक्स माइनस टू, ये क्या होगा आपका, रैखिक होगा, ये आपका द्विघात है, ये आपका क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक है, ये सब आपका द्विघात है। ठीक है, समझे, आप देखिए जैसे फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये क्या है, इस बहुपद में देखिए ध्यान से, इस चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, अधिकतम मान क्या है, अधिकतम घात देखिए एक्स के पावर टू है या एक्स के पावर वन है, नहीं कुछ हो तो वन रहता है ना, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत, आइए त्रिघात देखते हैं, त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद ये होता क्या है, लिखे डिफिनेशन, जिस चर का घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो तीन हो, जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब, ये क्या होगा, त्रिघात ना, त्रिघात ये मान लीजिए कि टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब ना, तो ये क्या हो गया आपका, बताइए ना, तो
इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात किसका है? 4x³ यानी x के पावर 3 है, सबसे अधिकतम घात 3 है, तो 3 त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघात। जैसे मान लीजिए x³ - 1, ये भी कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। क्वेश्चन बनाने में समझ, ये आपको प्रश्नावली 2.2 में भी आएगा पूरा के पूरा यही चीज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, समझे? चलिए, तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद, कोई दिक्कत नहीं ना। आपका ये त्रिघात है, क्योंकि इसमें जहां चर क्या है, वाई है, तो वाई के अधिकतम घात कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 हो गया। अब होता है वो बहुघात बहुपद। क्या होता है वो? बहुघात बहुपद, बहुघात बहुपद। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं बोपा, जिसका जिस चर का घात 3 से अधिक हो, 4, 5, 6, 7, 1000 कुछ भी हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुघात बहुपद। क्या कहेंगे? बहुघात। जैसे मान लीजिए x के पावर 10 - 1, क्या कहेंगे उसको? बहुघात ना। 3x⁴ - 4x³ + 2x, सो क्या कहेंगे? बहुघात कहेंगे, चौघात नहीं बहुघात कहेंगे, ठीक है? जिसका चार ना घात अधिकतम घात, ठीक है? कहेंगे बहुत को दिक्कत समझ में आया चीज। आइए तो हम लोग करते हैं, हम प्रश्नावली 1.1 की तरफ चलते हैं, ठीक है? रैखिक समझ में आया, जिसका घात एक हो, जिस चर का घात एक हो। द्विघात समझ में आया, जिस चर का घात 2 हो। और त्रिघात समझ में आया, जिस चर का घात 3 हो। और बहुघात समझ में आया, जिसका घात 3 से अधिक हो, ठीक है? आइए देखते हैं थोड़ा क्या है, अब लेते हैं हम लोग आपको ये प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग थोड़ा परिचय कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यह हमने बनाया एक ग्राफ, ठीक है? इसको बोलते हैं x अक्ष ना, इसको लाइन को, इसको बोलते हैं y अक्ष। जानते हैं क्या? जानते होंगे, 9 में पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति में, ठीक है? इसको x अक्ष, यहाँ होता है प्लस x ना, धनात्मक x अक्ष, यहाँ होता है ऋणात्मक x अक्ष, माइनस भी और भी, यहाँ होता है धनात्मक y अक्ष, यहाँ होता है ऋणात्मक y अक्ष, ठीक है? माइनस लगा सकते हैं, डैश भी दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ किसो, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। आप लोग के क्वेश्चन पूछा जाए मूल बिंदु का निर्देशांक बताइएगा थोड़ा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0.0 पढ़े होंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 0 रहता है, यह इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है? अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि निम्न बहुपद px के आलेख देखकर बताइए कि बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है, बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है, तो वो बताना होता है, ठीक है? तो सबसे आसान तरीका है क्या कि देखिएगा कि लाइन जो होगा वो x एक्सिस पर यानी x अक्ष पर कितना बार क्रॉस किया है या कितना बार छुआ है, x एक्सिस को लाइन कितना बार छुआ है, ठीक है? तो समझ जाएंगे कि उतना होगा बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या। मान लीजिए यहां देखिए, इसका बताइए तो शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो बहुपद के शून्य संख्या कितना हो गया? 4, ठीक है? मान लीजिए कि हम बनाते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये एक्सिस है, ये बताइए क्या होगा इसका? ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस है, क्या कहेंगे? एक है इसका बहुपद शून्य संख्या 1। और आइए एक और ग्राफ लेते हैं, ठीक है? बता यही है, इसमें एक्स एक्सिस पर एक बार लाइन टच किया है, नहीं टच किया है, नहीं छुआ है, तो इसका शून्य क्या होगा? तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसे समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि बताइए इसमें क्या होगा, एक ही बार यहाँ टच किया है, ठीक है? यहाँ ये नजर समझिएगा कि ये बाहर भी गया है, यहाँ टच किया ऊपर, एक तो एक एक दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक हम पॉज करते हैं, ठीक है? उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए तो देखा जाए, ये आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली क्या 2.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ठीक है? हम पहले बोले हैं ना आपको एनसीईआरटी से करेंगे, उसके बाद भारती भवन से करेंगे, ठीक है? तो पहले एनसीईआरटी से देख लीजिए, इसके बाद अगला वीडियो होगा जो भारती भवन का होगा, ठीक है? तो आइए करते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा ना, ये आपका क्या है, ये आपको हम बताया है क्या निकालना है इसमें, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है? आप पी एक्स के शून्यकों की संख्या यानी बहुपद में कितने शून्यक है, शून्यकों की संख्या बताना है। तो हमने आपको क्या बताया है,
अभी इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को ना, ये जो ग्राफ है, लाइन जो है, जितनी बार क्रॉस करेगा या जितनी बार टच करेगा उतना होगा शून्य। ठीक है, आइए करते हैं। इसमें देखा जाए तो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को एक बार टच किया है, नहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य, एक को नहीं होगा। आइए इसका देखा जाए, इसमें देखे तो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, एक बार, तो इसका आंसर क्या होगा, एक। इसमें देखा जाए क्या बार टच कर रहा है, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तीन। कोई दिक्कत? आइए इसको देखा जाए, इसमें कितना बार है, एक दो बार, तो यहां हो जाएगा इसका आंसर दो। नीचे आप लिखेगा, ठीक है, समझे। इसमें देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये आपका हो गया चार। इसमें देखा जाए तो एक दो और ये तीन, देखिए यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है, तो टच सिर्फ क्या टच करना चाहिए ना भाई, तो ये भी हो गया आपका तीन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 में। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।